अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तुम सच सच बोलो मैं, इनको लेके तूने मुझे क्या बोला? मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ, तो इनके डॉक्यूमेंट के बारे में कैसे बोलूंगा? ऐना के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के पागलपन में पता नहीं इसने उस एजेंट के दिमाग में से उसकी सारी यादें मिटा दी हो। नहीं भैया, आप बोलो, बस बात खत्म। 2015 की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? हाँ बेटा, हमने खोया है। मितेश प्रितेश, तुम लोग लाइट बंद करते हो कि ऊपर आके मैं तुम्हारी बोलती बंद करूं? दादी, हम लाइट बंद कर रहे हैं, आप अपनी आवाज बंद कीजिए वरना पूरी कॉलोनी की लाइट चालू हो जाएगी। मिस्टर पिया, ये पढ़ो। हाँ, समोसे पे सबका नाम लिखा था। लिखा था कि नहीं? हाँ, छोले पर भी सबका नाम लिखा था। लिखा था कि नहीं? हाँ, तो आप अपने सर पे भी लिखवा लीजिए कि मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। क्यों, अब मैंने क्या किया? अकल का कम इस्तेमाल है भैया। ये अकल क्या, कोई काजू कतली है? चलो थोड़ा खाओ और थोड़ा बचा के रखो। चलिए आप आगे पढ़िए। हाँ, हर खाने पे नाम लिखा था, फिर भी जो होटल वाले नहीं कर पाए वो घोटाला फैमिली ने 3 घंटे में कर दिखाया। करके दिखाया कि नहीं? हाँ, तो सुपर पावर यूज किए बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। बट एलियनली पॉसिबल? यस। मैं नहीं मानता। आप क्या भूत वाली पिक्चर के पुलिस है क्या? तो पहले बोलता है भूत भूत कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता, और अंदर खुद ही चिल्लाता है बच्चा बच्चा। एनीवेयर, मैंने कल साइंटिस्ट राजेंद्र को क्लब में बुलाया है। अपना रिक्रिएशन क्लब? वहाँ मैं करूँगा एलियन का एलियन और इंसान का इंसान। बसंत, आपने वो पत्थर मंगवाया था, लाओ। देखो मैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, अपने लिए। मैं मेरा सर फोड़ना चाहती हूँ पटक पटक के शर्म के मारे। क्या बसंत, हम ही ने कहा था ना कॉलोनी वालों को, मिल बांट के खाना खाने से प्यार बढ़ता है, मजा बढ़ता है। तो आपके हिस्से की शर्म मैं महसूस करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको तो वो आ ही नहीं रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया शरद पर आपने बसंत, कि उसे 2015 की परवाह नहीं है। भूल गया हमारे बच्चे को चलना शरद ने सिखाया था। जब हमारे ग्रह पे सूर्य को ग्रहण लग जाता था तो शरद जोड़ तोड़ के वो कहीं से भी सूर्य की किरण लेके आता था 2015 के लिए। आज आपने चाचा भतीजे के वो मासूम रिश्ते को कमीर में गाड़ के जब्बा जब्बा जब्बा। माना मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन लेकिन ऐना के मामले में शरद स्वार्थी है। तो शरद स्वार्थी हो गया तो क्या? इंसानों वाला जिस्म लिया है वसंत, जिसमें दिल भी इंसानों वाला है और जज्बात भी। इतना तो सोचिए, शरद को 2015 की परवाह नहीं होती तो हमारे साथ पृथ्वी पर आता ही क्यों? शरद की बात छोड़िए वसंत, आपने तो इंसानों के दो दो दुर्गुण अपनाए। हाँ, अच्छा हुआ तो वसंत घोटाला और बुरा हुआ तो बाकी के घोटाले। इसे अहंकार कहते हैं। तुझे कब से 2015 की परवाह होने लगी? बच्चा तो हमने खोया है। इसे कहते तेरा मेरा कर। वो कहावत तो सुनी होगी ना वसंत आपने, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। और पत्थर मतलब एक्चुअल वाला नहीं। हाँ वसंत, मतलब पता है आपको या मैं समझाऊं?
शर्म आनी चाहिए आपको, और वो पहली वाली शर्म, शर्मिंदगी वाली शर्म। अरे खुद को संभाल, फिर मुझे ऐसा ना, नहीं ऐसा मुझे, निकल जाए ऐसे। चाचा जाने दीजिए ना। शिशिर, डांटने दे उन्हें मुझे। चाचा डांटिए, मुझे डांटिए डांटिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान जिन्हें अपना समझते हैं ना, उन पर ही गुस्सा निकालते हैं, और गुस्सा निकालने से उनकी मन की सारी तकलीफें हो जाती है। तो आप मुझे डांटिए डांटिए, और आपने मुझे ऐसे धक्के भी मारिए। हेमंत सॉरी, मैं सॉरी कहूं? आइए कहिए मुझे सॉरी। बहुत कड़वी बात कह दी ना मैंने, मुझे माफ कर सकता है? देखो लॉजिकली देखा जाए तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और तुम छोटे भाई होने के नाते मुझे माफ करो। माना तुमने उस एजेंट का मन पढ़ के उसकी सारी यादें मिटा दी, लेकिन इंसानों के दिल तक पहुंचने की शक्ति नहीं है तुम्हें शरद, और ये तुम जानते हो। तुम चाहकर भी ऐना के दिल में अपना नाम नहीं लिख सकते, और ना ही मानव का नाम मिटा सकते। लेकिन भैया मानव तो इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ ये तुम जानते हो, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ऐना तो नहीं जानती ना। एक चलो मान लो कल अगर ऐना को ये बात पता चलती है कि मानव इस दुनिया में नहीं रहा, और वो तुझसे प्यार करने लगती है, तो इस प्यार का अंजाम क्या होगा? देखो शरद, हम सब यहां पर एक मकसद लेकर आए, और वो मकसद 2015 को ढूंढना। तो जिस दिन हमें हमारा 2015 मिल जाता है, हम लौट जाएंगे अपने ग्रह। इसीलिए अपने आप को समझाओ, अपने दिल को समझाओ कि वो ऐना को भूल जाए। भैया थोड़ा रो लूं। ग्रैंडफादर प्रितेश। यस माय डियर। कम हियर। मैं तुम्हारे साथ इस फ्लोट में बैठ सकती हूँ? ये तो सिंगल सीटर है। अच्छा, तो फिर मुझे स्विमिंग सिखाओगे? मैं आपको परवड़ेगा नहीं। आप एक काम कीजिए। हेमंत ऐसे बोले कि शरद अंकल, उनके पास जाके सीखिए, मजा आएगा उनको। हाँ, कुछ दिन पहले तो डूब रहे थे, आज ऐसा लग रहा है जैसे पानी में ही पैदा हुए। हाँ जा जा। हाँ हाँ शरद। हाय आना।
नितेश भैया, लव स्टोरी स्टार्ट। अरे वाओ, इतना जल्दी डांस और फिर स्विमिंग भी सीख गए। मुझे भी सिखाओ ना। सॉरी, आगे जाओ, माफ करो। एक्सक्यूज मी, ए, मैं क्या भिखारी हूँ? क्या सॉरी, आगे जाओ, माफ करो। किधर हो? ऊपर आओ तुम। बाहर निकलो वहां से। देखो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बात ऐसी है कि तुम शायद समझ नहीं रहे हो। अब ऐना को अपने आप से दूर कैसे करूँ मैं? लेकिन कैसे निकालूँ मैं ऐना को अपने दिल से? तो मत निकालो ना। हाँ? ऐना तुम? नहीं नहीं, ऐना मुझे तुम्हें भूलना ही होगा। लेकिन क्यों भूलना है? हाँ? क्योंकि मुझे वसंत भैया ने ऐसा कहा है और मुझे ऐसा करना ही है। हाँ? तो भूल पाए मुझे? है ना, तुम वहां इधर। आना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये आना है या हेमंत? नहीं नहीं, मैं हेमंत ही हूं। ये देखिए, हेमंत। अरे हेमंत, हेमंत प्लीज ऐना को भूलने में मेरी मदद करो। मैं उसे अपने दिल से कैसे निकालूं? जी, वो शशि ने इंसानी वीडियो दिखाया था ना, जिसमें एक लड़का एक लड़की को अपने से दूर करने के लिए एक्टिंग करता है। What is this? अरे ऐना, नहीं है मुझे तुझसे कोई गिला। थोड़ा नहीं तो पानी मिला, लेकिन तेरे हुस्न की मदिरा मुझे मत पिला, मत पिला, मत पिला। अंजलि, मैं किसी और का सिखा। अंजलि, सर्टिफिकेट मिल गया तुम्हें होने का? बराबर किया। चलो चलो, अब मुझे स्विमिंग सिखाओ। क्या हुआ? ठंडी लग रही है, हवा चल रही है। तुम क्या अपने साथ अपनी प्राइवेट हवा लेके घूमते हो जो सिर्फ तुम पे ही चलती है? चलो चलो, मुझे स्विमिंग सिखाओ। चल चल चल, देखो मैं जानबूझकर तुमसे मिलने आई। मेरी बात सुन, जब दो लोगों के बीच में कोई एक रिश्ता ना बन पाए तो नाता नहीं तोड़ते, उसे एक नया रिश्ता बना लेते हैं। सो विल यू बी माई फ्रेंड? कौन सा वाला? हाई फाई फ्रेंड या वो वाला फ्रेंड? गेट लॉस्ट वाला फ्रेंड। शरद, जस्ट फ्रेंड्स। वो चाचा, नितेश भैया चुप। हाँ, बात सुनो। क्या? पापा ने आपको बुलाया है। क्यों? जाना है ना? हेलो हेलो हेलो। अभी? हाँ। ऐना, तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, आज नहीं किसी और दिन। ओके। आजा, तू ही रहे हेमंत के साथ। भैया यही रहना, मैं वहाँ। अकल से भरा पैकेट टूट गया, अब बचे खाली डिब्बे। अरे आइए आइए पड़ोसी मुल्क वालों, करो करो मेरा वाला हेलो करो। नहीं, अभी हम सीख गए। नमस्ते। प्रणाम 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 प्रणाम। भैया इनका तो हेलो हेलो भी बदल गया। अब चेक करते और क्या क्या बदला है। सर आपकी चाय गर्म है ना? एकदम गर्म है सर। सर वो पिछले साल का बोनस काटा था वो लौटा रहा हूँ। और वो छुट्टियों के पैसे काटे थे वो भी लौटा रहा हूँ। और आप बाथरूम में बटवा भूल गए थे तो उसमें से 40 रुपये मैंने उड़ किया था वो भी लौटा रहा हूँ, लौटा रहा हूँ। सर चाय ठंडी हो रही है, आप बैठे ना, बैठे ना सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज सूरज कहाँ से निकला देखा आप लोगों ने? नहीं नहीं,
तो देखो यहां से दिखेगा। ओ कहा जा रहे हो? सूरज देखो मतलब इनको देखो इनको। आज सूरज पश्चिम से निकला है। भला हो उसका जिन्होंने इस शैतान को इंसान बनाया। देखना है आपको जादू, देखना है जादू। एक मिनट। प्रणाम 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 प्रणाम। टाइम प्लीज। प्रणाम 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 प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देख लिया ना जादू। शिशी ऐसे ऐसे कर तो तू डूबेगा नहीं। अरे भैया ऐसे ऐसे करूंगा तो सब स्विमिंग पूल का पानी बाहर चला जाएगा। हाँ तो पूरा स्विमिंग पूल का पानी बाहर जाएगा तो तू डूबेगा कैसे? ये हेमन नाम की मछली मेरे जाल में जरूर फंसेगी। मिस्टर राजेंद्र भी नहीं आए। वो देखो पावना भाभी को ब्याज। छोरा ये लो मितेश बेटा मिठाई खाओ। ओ, आज क्या है? आज हमारे मानव का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। मितेश तुम भी लो। अरे छोरा अठे आओ। लो 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 मिठाई लो। आज हमारे मानव का जन्मदिन है। मतलब? मतलब आज के दिन मारा मानव पैदा हुआ था। लो। ओ, इतने छोटे बच्चे को हमने डायरेक्ट फौज में भर्ती कर दिया। अरे झालर वो आज से 24 साल पहले पैदा हुआ था। तो फिर मिठाई आज क्यों बांट रहे हो? 24 साल पहले बांटनी चाहिए थी ना। ओ? चलो चलो सवाल छोड़ो और ये लो मिठाई लो। मिल गया आइडिया उनको फंसाने का। हेलो मिस्टर प्रीतेश। हाँ बैठे बैठे। हाँ जी आगे। वेलकम। थैंक यू वेटर। इनके लिए फ्रूट पंच। ओके। मेरे भैया के लिए चॉकलेट मिल। ओके। और मेरे लिए लूंबू पानी। अच्छा सुनो बिल मेरे अकाउंट में डाल देना। ओके मिस्टर प्रीतेश वैसे गर्मी तो उन दोनों पे नजर रखिए आप। ये लोग एलियन हैं। ये मैं साबित करके ही रहूंगा। एलियंस? मितेश भैया आप पूल के डीप वाले हिस्से पे जाके कूद जाइए और डूबने के बाद बचाओ बचाओ चिल्लाना। वो लोग आपको बचाने के लिए अपना सुपर पावर यूज करेंगे। पावर से देख ही लेता हूँ। बचाओ बचाओ